खुलेआम चुनौती देते हुए दो घरों को निशाना बनाया और लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ितों की ओर से थाने में तहरीर दी गई है। अगर आपको जानना है मैनपुरी की छोटी बड़ी खबर का हाल तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और पुलिस को खुलेआम चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं, लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं। थाना किशनी क्षेत्र में थाने से महज चंद कदमों की ही दूरी पर चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मामला थाना बरनाहल क्षेत्र से सामने आया है। यहां बरनाहल क्षेत्र के ग्राम लाखन मऊ में चोरों द्वारा दो मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों द्वारा रात का फायदा उठाकर इसरार पुत्र शमसुद्दीन, पूजा पत्नी सुनील कुमार पुत्र कप्तान सिंह के मकान में पीछे से नकब लगाकर चोरों ने घर के अंदर प्रवेश किया और दोनों ही घरों को चोरों ने निशाना बनाते हुए घरों में रखे लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पूजा जी, क्या घटना हुई आपके यहाँ? मेरे आज रात में चोरी हो गई, पीछे से दीवार खोद ली, उसमें मेरी चीज थी, तीन अंगूठी थी, एक लर थी, मेरी पायल थी, पैसे थे मेरे पास 40,000 रुपए कल आए थे। अच्छा, आपको कब पता चला इसका? हमें सुबह पता चला जब अंदर लॉक लगा हुआ था। अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ पुलिस रात में गश्त करने नहीं आती है क्या? नहीं नहीं। अच्छा, कौन सा गाँव है? लाखन। कौन सा गाँव? लाखन। हाँ, क्या घटना हुई है आपके यहाँ? मेरे यहाँ सुबह जब मैंने सुबह जग के देखा, बताया लोगों ने कि आपके यहाँ पीछे से चोरी हुई है। देखा जाके तो सब चीज़ देखा तो पर्स में मेरा चीज़ भी थी, उसमें एक लर थी और तीन अंगूठी थी और 40,000 का कैश था। वो स्कूल से लेके आए थे पैसे लेबर को देने के लिए। अच्छा, आपको किन के द्वारा सूचना मिली? मतलब ये चक्की पे ग्रामीण के द्वारा, वो चक्की पे आए थे लोग बताने के लिए। इसकी सूचना थाना पुलिस को दी थी? जी। पुलिस कितनी देर बाद आई? पुलिस आई सर 1 घंटे बाद। सुबह जब परिजन उठे और घर में लगे नकद की जानकारी हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना को देखने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया, क्योंकि पूरे जीवन भर की कमाई और चंद समय में ही चोरी कर हड़प ले गए। घटना की जानकारी जब पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस ने अपनी खाना पूर्ति करते हुए जल्द चोरी की वारदात का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। अच्छा परवीन बेगम, क्या घटना हुई है आपके यहाँ? और चोरी हो गई हमारे यहाँ। यहाँ क्या क्या सामान गया है? 2000 रुपए थे। और जी, ये पहले भी कोई घटना हुई? पहले भी घटना की चोरी हो चुकी है, मगर अभी तक पुलिस ने, अच्छा अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा कर पाया? कुछ नहीं किया, पहले भी देखो कुछ मिला, पहले भी चोरी हो गई तो उस घर में पुराने वाले घर में। क्या पुलिस गश्त करने आती है आपके गांव में? पता नहीं, हम तो इधर रहते जाते पाते, इधर तो मालूम नहीं पड़ते। निशा जी, क्या घटना हुई है आपके घर पे? चोरी हो गई है हमारे घर पे। मतलब आप लोगों को कब पता चला? कैसे? 5:30 बजे पता चला। अच्छा, जब हम उठे थे सुबह तब देखा ताला खुला था, कुंडी भी खुली थी, ताला बस लटका था, उसमें कुंडा कटा था। अच्छा, क्या क्या सामान गया आपके यहाँ से? रुपए चले गए 2000 और चीज चली गई है, अंगूठी, कुंडल, टीका और चूड़ियां, बेसर। अच्छा, क्या पुलिस आपकी घटना के बाद पुलिस मौके पर आई थी? हाँ अभी आई थी। हाँ अभी आई थी पुलिस थोड़ी देर पहले।